डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन के की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके भौतिक गुण। तो पहला पॉइंट, जो इसके लोअर मेंबर हैं जैसे मेथाइल क्लोराइड, मेथाइल ब्रोमाइड, मेथाइल फ्लोराइड, एथाइल क्लोराइड, ये सब रूम टेम्परेचर पे गैस हैं। इसके अलावा जो है रेस्ट मेंबर्स जो हैं इसके आगे के एथाइल ब्रोमाइड से लेकर के आगे तक के जो C2 से C18 तक, एक्सेप्ट एथाइल क्लोराइड, एथाइल क्लोराइड को छोड़ करके C2 से C18 तक के मेंबर जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे कमरे के ताप पर जो है वो कलरलेस, रंगहीन और स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है। ये सब जो है मीठी गंध वाले द्रव हैं। और इसके जो हायर मेंबर हैं, इसके जो उच्च सदस्य हैं, हायर मेंबर जो हैं वो सब C18 के आगे के जो है मेंबर्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं, कलरलेस सॉलिड, रंगहीन ठोस होते हैं। सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में फॉर आइडेंटिकल एल्काइल ग्रुप यानी समान एल्किल समूह, आइडेंटिकल एल्किल ग्रुप के जो एल्किल हैलाइड हैं, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है इनके बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर मास के। तो अगर एल्किल ग्रुप सेम है तो एल्किल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, फिर एल्किल ब्रोमाइड, फिर एल्किल क्लोराइड, फिर एल्किल फ्लोराइड का। इसका रीज़न है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वंडरवाल फोर्स बढ़ता जाता है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण बढ़ता जाता है और वंडरवाल फोर्स का मान जैसे जैसे बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाता है। अगर हैलोजन एटम सेम हो फॉर आइडेंटिकल हैलोजन एटम, अगर हैलोजन परमाणु जो है इक्वल हो, तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ेगी उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा। फॉर एग्जांपल मेथाइल क्लोराइड, एथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड। तो जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप की साइज बढ़ेगी यानी मोलर मास बढ़ेगा इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते जाएंगे। और आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड में समावयवी एल्किल हैलाइड, समावयवी एल्किल हैलाइडों में जो है जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी उनके बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल ब्यूटिल ब्रोमाइड और आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, और टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, तो इसमें जैसे जैसे ब्रांचिंग या शाखाकरण बढ़ेगा
तो इसकी शेप स्फेरिकल होती जाएगी और सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा। और वांडरवाल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो इसमें जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करती जाती है, इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करते जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सॉल्युबिलिटी, विलेयता। तो इसमें कार्बन हैलोजन बॉन्ड में एल्किल हैलाइड के केस में पोलरिटी तो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, लेकिन फिर भी ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जल में ये अविलेय होते हैं। इसका रीजन क्या है कि एल्किल हैलाइड जो है वो वाटर के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकते, डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकते और ना ही इतने जो है स्ट्रॉन्ग पोलरिटी होती है कि वो हाइड्रोजन को ब्रेक कर सकें, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन को सेपरेट कर सकें, इसलिए ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन, एल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब में ये सॉल्युबल होते हैं। डेंसिटी में जो क्लोरो एल्केन होते हैं जनरली ये वाटर से हल्के होते हैं, डेंसिटी यानी घनत्व। तो जनरली क्लोरो एल्केन जो होते हैं वो हल्के होते हैं, जबकि ब्रोमाइड और आयोडाइड वो जल से हैवी होते हैं। तो इनके जो डेंसिटी का ऑर्डर होगा वो एल्किल आयोडाइड सबसे अधिक, देन एल्किल ब्रोमाइड, देन एल्किल क्लोराइड। और जैसे जैसे इसमें हैलोजन एटम का एटॉमिक मास जो है परमाणु भार इसका बढ़ता जाता है, तो इनके घनत्व जो है या डेंसिटी जो है उनकी इंक्रीज करती जाती है। अब आ जाइए इसके आगे केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली देते हैं। इसमें बॉन्ड में पोलरिटी होती है तो ये आसानी से हैलोजन एटम न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, हैलोजन परमाणु आसानी से नाभिक स्नेही से प्रतिस्थापित हो जाता है।
तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें जो है ये डिपेंड करता है एल्काइल ग्रुप की साइज और किस टाइप का एल्किल हैलाइड है, और जो लीविंग ग्रुप निकलने वाला जो हैलोजन एटम वो कैसा है। अगर उसकी लीविंग प्रॉपर्टी यानी लीविंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो इजीली देगा, कम होगी तो डिफ़िकल्टी से देगा। तो इसमें दो तरह के रिएक्शन है, SN1 मैकेनिज्म। SN1 क्रियाविधि SN1 की मीनिंग होती है N यानी न्यूक्लियोफिलिक, S यानी सब्स्टिट्यूशन, 1 का मतलब ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, इसीलिए इसको यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसको यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। हिंदी में इसको लिखेंगे एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इसको कहा जाएगा। तो इस रिएक्शन में जो रिएक्शन की रेट होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है, वो रिएक्टेंट के जो है कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है। रिएक्टेंट यानी अभिकारक, या हम इसको लिख सकते हैं कि रेट जो होता है वो रेट कांस्टेंट, और जो एल्किल हैलाइड है उसके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें कंसंट्रेशन टर्म की पावर 1 है, तो इस रिएक्शन की जो ऑर्डर होगी ये 1 होगी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, और ये रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में होती है, ये अकर्स इन 2 स्टेप्स, यानी अभिक्रिया जो है वो 2 पदों में होती है। तो फर्स्ट स्टेप में, स्टेप फर्स्ट में जो एल्किल हैलाइड है, जो भी एल्किल हैलाइड है, मान लीजिए यहां पे आपका ब्रोमीन है, तो फर्स्ट स्टेप में इसका हेट्रोलिटिक फिशन होता है, और ये स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लो होता है, मंद पद होता है ये, और इसमें इसका विषम विदलन होता है, हेट्रोलिटिक विखंडन, और ये ब्रेक होता है, और ब्रेक होकर के ब्रोमाइड आयन निकल जाता है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा है, इसलिए ये इसको फैसिलिट करता है, इसको आसानी से जो है ये Br- जो होता है निकल जाता है, और इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन फॉर्म होता है, इसमें इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, और इसमें हैलोजन निकलने के कारण ये एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, ये स्लोएस्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल इस जो इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन, इस पे अटैक करता है, और ये न्यूक्लियोफाइल जो होगा, कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है, मान लीजिए ये रिएक्शन
एक्वस NaOH से हो रही है तो OH माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल है, यानी कहने का मतलब जो हमारी रिएक्शन है वो ये है CH3 thrice CBr और एक्वस NaOH, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल OH माइनस होगा और ये रिएक्शन करके एल्कोहल फॉर्म कर रहा है, NaBr बनेगा। ये एल्कोहल फॉर्म कर रहा है, तो मान लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा OH माइनस आयन है, तो ये स्टेप हमारा फास्ट स्टेप होगा, तीव्र पद। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन के इस एम्प्टी ऑर्बिटल में फ्रंट से और बैक साइड से, यानी राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। तो जब दोनों तरफ से अटैक करेगा तो इसमें दो प्रोडक्ट होंगे। अगर ये राइट साइड से अटैक कर रहा है OH ग्रुप इधर आएगा राइट हैंड साइड, और अगर ये लेफ्ट साइड से अटैक कर रहा है तो OH ग्रुप लेफ्ट साइड आएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें ये दोनों जो है 50-50% बनते हैं। अब अगर इस रिएक्शन में ये अगर ये एज्यूम किया जाए या ऐसा एल्किल हैलाइड हो जिसमें सभी एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो, इसमें तीनों आइडेंटिकल थे, तो इसमें जो कार्बोकैटायन बनेगा, मान लीजिए ये एल्किल ग्रुप है और ये तीनों डिफरेंट हैं, R, R डैश, R डबल डैश, तो जब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इक्विमोलर मिक्सचर बनेगा, सम अणुक मिश्रण बनेगा, और इक्विमोलर मिक्सचर जब ये बनेगा तो इसमें ये कार्बन हमारा काइरल कार्बन है, तो अगर ये डी फॉर्म हो तो ये एल फॉर्म होगा, यानी इसमें जो है हमारा रेसमाइजेशन होगा और इसमें रेसेमिक मिक्सचर फॉर्म होगा। इस कंडीशन में जो है हमारा रेसमिक मिक्सचर जो है वो फॉर्म होता है, और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ये हमारा 50-50% अमाउंट में दोनों फॉर्म होंगे और ये रेसमिक मिक्सचर होगा। तो SN1 मैकेनिज्म में रेसमाइजेशन होता है अगर तीनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट हुए, तो इस कंडीशन में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, अगर एक डी फॉर्म तो दूसरा एल फॉर्म, और इसमें रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होगा। यानी ये रिएक्शन दो स्टेप में होगी, पहला स्टेप स्लोएस्ट स्टेप जो रेट डिटरमाइन करता है, इस स्लोएस्ट स्टेप में इस मंद पद में केवल एक मॉलिक्यूल एल्किल हैलाइड जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसकी रेट केवल एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। सेकेंड स्टेप फास्ट स्टेप होता है, इसमें जो इंटरमीडिएट मध्यवर्ती जो कार्बोकैटायन बना है, कार्बोनियम आयन बना है, उसमें न्यूक्लियोफाइल राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ से अटैक करेगा और इक्विमोलर मिक्सचर बनेगा। तो इक्विमोलर मिक्सचर बनेगा तो ये रेसमिक मिक्सचर होगा अगर तीनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट हो, हमने ये फर्स्ट स्टेप नहीं लिखा है इसमें, तो जो कार्बोकैटायन बना जो तीनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट होंगे
तो ये रेसमिक मिक्सर होगा और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये रेसमिक मिश्रण बनेगा और प्रकाशिक निष्क्रिय होगा। तो इसमें जो है रिएक्टिविटी का ऑर्डर, क्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो इस तरह से होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी अर्थात क्रियाशीलता, तो इनके जो क्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो बेंजिल, फिर एलिल, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर लास्ट में आपका मेथाइल हैलाइड। ये इनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। बेंजिल और एलाइल आसानी से क्यों देते हैं SN1, क्योंकि जो इसका इंटरमीडिएट बनता है बेंजिल और एलिल का, इसका जो मध्यवर्ती बनता है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। एलिल के केस में जो एलिल कार्बोकैटायन बनेगा वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा। ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। सिमिलर वे में जो बेंजिल कैटायन होता है, हम यहां पे सिर्फ एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे, बाकी ये आप लोग जानते हैं। जो बेंजिल कार्बो कैटायन होता है ये भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहां मूव करे तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ये मिलेगा। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहां शिफ्ट कर जाएगा तो आपका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ये फॉर्म होगा। तो एलिल और बेंजिल जो है रेजोनेंस से स्टेबलाइज होते हैं, क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अधिक है, ये मोर स्टेबल होगा इसलिए ये इजिली देगा। तो ये इस पे भी डिपेंड करता है एल्किल हैलाइड की जो है स्टेबिलिटी पर, यानी जो कार्बो कैटायन बनता है इसमें कार्बन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन बनता है उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। जिसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी वो इजिली देगा। अब रही बात सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की, तो जो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होता है वो SN1 और SN2 दोनों दे सकता है, वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे। तो जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, पोलर सॉल्वेंट यानी ध्रुवीय विलायक, वो इस अभिक्रिया को आसानी से फैसिलेट करते हैं, इजीली उसकी प्रेजेंस में होती है। इसके साथ साथ जो है ये एल्काइल ग्रुप के साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर एल्काइल ग्रुप की साइज ज़्यादा है, बड़ी है, और इसके साथ साथ पोलर सॉल्वेंट है, तो आपके SN1 मैकेनिज्म की संभावना, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो सेकेंडरी हेलो एल्केन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
SN1 और SN2 दोनों से हो सकता है, ये रिएक्शन की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है, स्मॉलर छोटा एल्काइल ग्रुप है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी SN2 की होती है। अगर लार्ज एल्काइल ग्रुप है जैसे ऑक्टेल ग्रुप या हेक्सिल ग्रुप, बड़े एल्काइल ग्रुप हैं, तो उसमें जो है SN1 की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ जो है इसमें जो लीविंग ग्रुप, ये निकलने वाला समूह, जो हैलाइड आयन जो निकलने वाला समूह है, ये इसकी जो ये जितना ही अच्छा होगा, यानी जितनी ही आसानी से ये निकल जाएगा, उसकी जो रेट होगी उतनी ही फास्ट होती है रिएक्शन की। एक पॉइंट इसमें ये भी है कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, तो वो जो है हम डिसाइड करेंगे लीविंग ग्रुप से भी। तो आयोडाइड जो है वो बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है, तो एल्किल आयोडाइड में ये फास्ट होगा, फिर ब्रोमाइड में, तो इसमें जो लीविंग टेंडेंसी जो होती है वो फ्लोराइड के कंपेरिजन में जो है आयोडाइड आयन की जो है 20,000 अधिक होती है, तो आयोडाइड से वो इजिली ये रिएक्शन हो सकती है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की एक और मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, SN2 क्रियाविधि। SN2 का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो ये सेकंड ऑर्डर है तो इसको बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। तो इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन जो होती है SN2 मैकेनिज्म, ये एक स्टेप पे होती है, ये वन स्टेप मैकेनिज्म है, ये क्रियाविधि एक पदों में पूरी होती है। और इसकी रेट जो होती है वो जो एल्किल हैलाइड है और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, यानी इस अभिक्रिया की दर जो है वो जो एल्किल हैलाइड है और नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इसी से ऑर्डर निकल आएगी, जो रेट एक्सप्रेशन है, जो वेग निर्धारक पद है, इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म है, सांद्रता पद है, इसके पावर का सम, इसकी घातों का योग, ये ऑर्डर होता है, तो ये सेकंड ऑर्डर मैकेनिज्म होती है। और इसमें जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो SN1 का जस्ट रिवर्स होता है, यानी इसमें मेथाइल हैलाइड
सबसे इजीली करेगा, देन अदर प्राइमरी एल्किल हैलाइड, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन एलिल, एलिल हैलाइड, देन बेंजिल हैलाइड। ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है और ये रिएक्शन एक स्टेप में पूरी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये रिएक्शन है CH3Cl और एक्वस NaOH, तो ये CH3OH और NaCl बनाएगा। तो हम इसी की मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल OH माइनस आयन फॉर्म होगा। तो इसकी जो मैकेनिज्म होगी ये एक स्टेप में होगी। इसमें न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इस साइड से अटैक करता है और जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है वैसे वैसे ये हैलोजन एटम लीविंग ग्रुप निकलता जाता है। और यानी जो इसका जो इंटरमीडिएट होता है उसमें ना तो न्यूक्लियोफाइल पूरी तरह से जुड़ा होता है और ना ही न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप पूरी तरह से निकला हुआ होता है। यानी जो इसमें क्या होता है एक ट्रांजिशन स्टेट एक संक्रमण अवस्था जो है वो बनती है। और इसमें जो है आपका जो कार्बन है वो देखने में स्यूडो पेंटावैलेंट दिखता है। ठीक है, ये छद्म या आवासी पंच संयोजी दिखता है, होता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है यहां से हैलाइड आयन हैलोजन एटम जो है वो इससे निकलता है। और ये स्टेप जो होता है हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है, मंद पद होता है, मंद पद होता है। इसमें दो मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल और एल्किल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दोनों की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगी और इसकी ऑर्डर क्या होगी 2। और इसके बाद जैसे ही इसमें हैलोजन न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है हैलोजन एटम जो होता है वो लीव कर जाता है, निकल जाता है। और ये स्टेप फास्ट स्टेप होता है। अब इसमें एक चीज देखिए, हैलोजन एटम राइट हैंड साइड था, सब्स्टिट्यूशन है तो हमारा न्यूक्लियोफाइल राइट हैंड साइड आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है आता क्या है लेफ्ट हैंड साइड। यानी इसमें कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जस्ट इन्वर्ट हो जाता है, इसमें इन्वर्जन होता है जस्ट लाइक आवर टू एंड्स। ये अगर हमारा लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, हैलोजन एटम है, मान लीजिए स्तंभ को अंगूठे को हैलोजन एटम, मिडिल फिंगर को कार्बन मान लीजिए, बीच की उंगली को कार्बन मान लीजिए, तो न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली मिलता कैसा है हमें इस तरह से मिलता है, न्यूक्लियोफाइल इस डायरेक्शन में होता है। यानी कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जस्ट इन्वर्टेड, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो ठीक उल्टा हो जाता है। तो इस तरह के जिसमें कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाता है इसको वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन प्रतिलोपन कहते हैं, इसको हम वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन प्रतिलोपन या प्रतिपन भी लिख सकते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन जस्ट इन्वर्ट हो जाता है। तो SN1 मैकेनिज्म के कारण क्या होता है रेसमिक मिक्सचर, रेसमाइजेशन होता है, रेसमिक मिश्रण बनता है।
SN2 मैकेनिज्म के कारण क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसमें होता है और उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर कौन SN1 इजिली देगा, कौन SN2 इजिली देगा। और ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट अध्रुवीय विलायक में अगर ये रिएक्शन कराई जाए तो अध्रुवीय विलायक जो है वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। तो इसमें एल्काइल ग्रुप जितना ही छोटा होगा वो आसानी से होगा। अब इस पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों न्यूक्लियोफाइल इसके इस साइड से, बैक साइड से ये अटैक करता है, क्यों नहीं फ्रंट से अटैक करता है। तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो हेलोजन एटम, इसमें तीन लोन पेयर है, तीन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में, अगर न्यूक्लियोफाइल जो है इस डायरेक्शन से अप्रोच करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन से ये रिपल्शन फील करेगा, और जब रिपल्शन फील करेगा तो इधर से अटैक पॉसिबल नहीं है, तो ये इसी साइड से अटैक करेगा, इसलिए ये बैक साइड से जो है अटैक करता है इस साइड से, और कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इन्वर्जन होता है। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि जो टर्शरी एल्किल हैलाइड है, टर्शरी एल्किल हैलाइड है वो क्यों नहीं देता है आपका SN2 मैकेनिज्म। तो उसका रीजन है कि ये जो एल्किल हैलाइड है, का एल्किल हैलाइड में जो एल्किल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो इसमें हैलोजन तीन लोन पेयर है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस डायरेक्शन से पॉसिबल नहीं है, इधर से संभव नहीं है, इधर से नाभिक स्नेही का आक्रमण जो है वो अटैक संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और इस साइड से अटैक करने के लिए क्या होगा, ये जो एल्काइल ग्रुप हैं ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस यानी क्राउडिंग जो है, एक तरह से कार्बन एटम जिस पे अटैक होना है उस कार्बन एटम को ये घेर लेते हैं और स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिधर जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल का इधर से अटैक पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ये टू स्टेप मैकेनिज्म देता है टर्शरी, ये वन स्टेप मैकेनिज्म यानी SN2 मैकेनिज्म नहीं दे सकता है। और ये एल्काइल ग्रुप की साइज जितनी बड़ी होती जाएगी स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो उतना ही बढ़ता जाएगा, और इस स्टेरिक हिंड्रेंस के बढ़ने के कारण इधर से अटैक और डिफिकल्ट होता जाएगा, तो वो इजिली टू स्टेप मैकेनिज्म देगा यानी SN1 मैकेनिज्म देगा। सेकेंडरी के केस में सेम रूल फॉलो होगा, अगर लार्ज एल्काइल ग्रुप है और पोलर सॉल्वेंट है तो उसके प्रेजेंस में जो है वो SN1 की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो SN2 की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। और इसके साथ साथ लीविंग ग्रुप पे भी डिपेंड करता है, जो जितना अच्छा लीविंग ग्रुप है निकलने वाला हैलोजन एटम जितनी आसानी से निकलेगा तो उसकी रेट यानी अभिक्रिया की दर उतनी ही फास्ट होगी। और कुछ रिएक्शंस में ऐसा भी होता है कि जिसमें कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होता है या रिटेंशन होता है, लेकिन उसके जो है ऑप्टिकल रोटेशन इन्वर्ट हो जाता है, जैसे ब्यूटेन टू ऑल में जो है जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ब्यूटेन टू ऑल के, या टू मेथाइल ब्यूटेन वन ऑल, सॉरी ये टू मेथाइल वन ब्यूटेन ऑल है, जब इस पे HCl की रिएक्शन होती है तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहता है लेकिन जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो जस्ट चेंज हो जाता है, यानी अगर जो है आपका टू मेथाइल ब्यूटेन वन ऑल जो है लिवो रोटेटरी होता है
तो जो प्रोडक्ट बनता है 2 methyl जो आपका जो उस केस में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है 1-chloro-2-methyl-butane। तो 1-chloro-2-methyl-butane जो होता है उसका ऑप्टिकल रोटेशन मतलब एंगल ऑफ रोटेशन जस्ट उल्टा हो जाता है, लीवो से वो डेक्स्ट्रो में चेंज हो जाता है। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।